देखा जा सकता है, कुछ यात्री पैदल तो कुछ यात्री घोड़ों पर सवार। यहाँ पर ये घोड़ा पिक्चरों से जाने का बहुत ही प्रचलन है। यह माँ मंदाकिनी की निर्मल धारा देखा जा सकता है। यह सामने जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था वह मेरा उद्देश्य, किस तरीके से यह एक घोड़ा खिच्चर गिरा हुआ है और इसका दर्द पास से जानने की कोशिश करेंगे हम। पैर टूट गया है, यहाँ पर बैठने के लिए भी कहीं जगह स्थान नहीं है। कोई भी इसका दुख दर्द जानने के लिए, इसको नीचे पहुँचाने के लिए ऐसी सुविधा जहाँ पर कि इसको एक अच्छी जगह रखा जा सके, खाने पीने का इसका कोई प्रबंध हो, इसके दर्द को बहुत नज़दीक से देख पाना बहुत ही मुश्किल। देखा जा सकता है पैर टूट गया है क्योंकि चढ़ाई है, बहुत ही हादसा हो जाता है। लेकिन जो भी इसका मालिक होगा, जिसने भी इससे धन कमाया होगा, या किस तरीके से इतनी सारी भीड़ जा रही है, लेकिन क्या कभी कोई सोचता है कि अपने धन से या दो दो चार चार पाँच पाँच रुपये भी दे और ऐसी कोई व्यवस्था करें। यहाँ पर इतने यात्री आते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, ऐसा कोई प्रबंध किया जाए जिससे इनके जो पैर टूट जाते हैं तो इन्हें अच्छी जगह पहुँचाया जा सके, जिससे कि इनके लिए कुछ नहीं तो भूख प्यास से तो ये अपना दम ना तोड़ें, एक अच्छा इलाज मिल सके इनके लिए। ये यात्रियों को, हम जैसे मनुष्यों को ऊपर तक पहुँचाते हैं, सेवा देते हैं लगातार। कल डंडे भी मारेंगे, लेकिन इसको कल डंडे भी मारेंगे, भाई बता रहा है आंखों से देखा, इसको कल डंडे भी मारे। क्या मेरे सामने डंडे मारे, क्या कहना चाहोगे आप इसकी इस स्थिति पर? मैं तो कहता हूँ जो इनको मतलब करा रहे हैं, ये काम बंद ही होना चाहिए एक तरह का वैसे तो। लेकिन हम जैसे यात्री आते हैं, चलो माना ये लोग काम कर रहे हैं इनसे, हम जैसे यात्री आते हैं तो हम जैसे अगर यात्री पाँच पाँच रुपए भी देगा, काम लिया जा रहा है ना, दिया जा रहा है, वो उनकी बात है, वो इनको इतने प्यार से रखा भी जाए, रखा जाए, लेकिन लेकिन वो नहीं ऐसे काम लेके इनको यहाँ पे बारिश में छोड़ रखा है। जी जी, बारिश में इतना खाने के लिए, पूछने आ रहे हैं जी जी जी, इसको डंडे मारे जा रहे हैं, डंडे जी जी, देखा जा सकता है। ये भी मेरी तरह यात्रा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, चलो कोई बुजुर्ग है उसका मजबूरी, उसकी मजबूरी है, काम ले रहे हैं, मजबूरी है, अब हम नहीं चढ़ा जाता, कोई प्रॉब्लम। देखा जा सकता है ये उठने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से इसका दर्द देखा जा सकता है, देखा जा सकता है इसका दर्द देखा जा सकता है। मैं यात्रियों से कहूंगा, जिससे कह सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, करूंगा, सारे यात्रियों में से कोई तो ऐसा यात्री होगा, यह दो दो पांच पांच रुपए प्रत्येक यात्री इनके लिए दान देके जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था कोई भी संस्था करे, कोई भी ट्रस्ट करे, तो कृपया इन्हें एक अच्छी जगह पहुँचाया जाए। इनकी भी जिंदगी है, इनके भी अंदर भी दर्द है, इनका भी अपना सब कुछ है, लेकिन देखा जा सकता है कितना मनुष्य किस तरीके से ढोंग रस्ता है। मैं कहूँगा इसको ढोंग कहूँगा, कुछ नहीं है इसके सिवाय। देखा जा सकता किस तरीके की पब्लिक जा रही है, लेकिन इसके दर्द को, इस जीव के दर्द को समझ पाना, इस जीव से सहानुभूति रख पाना, क्योंकि इसी के अंदर वही केदारनाथ बैठे हुए हैं जिसके हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं, और एक जीव की सेवा या किसी के दर्द को समझ पाना ही सच्ची सेवा और सच्ची पूजा है। लेकिन देखा जा सकता है किस तरीके से भीड़ न जाने क्या पाने के लिए जा रही है। सारे लोग यदि इस आवाज को उठाएं, सारे लोग अगर कोशिश करें तो शायद कुछ तो हो ही सकता है, अगर बहुत कुछ नहीं हो सकता है तो। एक बार फिर पूछेंगे, हमारे सामने उसने इतने घंटे मारे ना उसको जी, सवारी बिठाई हुई उसने जी, ऑलरेडी जी, उसका पैर खराब है जी, अब वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा, फिर डंडों से मार रहा था ना, उसी पैर में डंडे मार रहा, उसी पैर में डंडे मार रहा, अब बेजुबान क्या बोलेगा भाई। हम परसों दिन ट्रैकिंग कर रहे थे जी, तब से इसका पैर खराब है और यहीं पे था और ये कोई काम का नहीं है, अब तो छोड़ के चले गए, इससे अब अर्निंग नहीं हो रही इनकी, छोड़ के चले गए। इन लोग ने पूरी दुर्दशा कर रखी है, इनकी पूरी दुर्दशा कर रखी है। मैं तो अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई खच्चर नहीं करो, आपके अंदर सामर्थ्य, आप चढ़ के जाओ, हेली से जाओ, मत आओ। देखा जा सकता है सारे भाई यही कह रहे हैं, लेकिन किस तरीके का मनुष्य बुद्धिजीवी, प्रकृति का सबसे बुद्धिजीवी ईश्वर ने बनाया इसको, लेकिन मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा बेवकूफ और इससे ज्यादा बिचकाने काम कोई नहीं करता है जो मनुष्य करता है। सच में अगर बुजुर्ग होगा, अगर बच्चा होगा, उसकी मजबूरी समझ सकता है जी जी, पर हमसे बड़े बड़े जो भारी भारी लड़के बैठे देखा जा सकता है। अभी मैं यहाँ से देखा जा सकता है इन्हें क्या मतलब पड़ रहा है, अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, वहीं पे जहाँ भी रहते हैं वहीं पे ईश्वर है, वहीं पे भगवान है। अब देखो ये इतने लोग बैठ के जा रहे हैं खच्चर पर, इस खच्चर की ओर कोई देख भी नहीं रहा है जिसका पैर टूटा हुआ है,
जब किसी से ये सवाल करने ईश्वर को जिस ईश्वर को ये देख नहीं जा रहे हैं जबकि उसका दर्द ही नहीं जान पा रहे हैं। कोशिश की जाएगी, इसके लिए सरकार से भी बात की जाएगी और जो भी जीव सेवा संस्थान के लोग हैं, जो भी प्रेम रखते हैं जीवों से, उनसे भी बात की जाएगी। और ये जो भी यहाँ पर ये चल रहा है, चले, मना नहीं किया जा रहा है, एक रोजगार का धंधा है, चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कोई हादसा हो जाता है, वो मनुष्य या जीव, तो उसके लिए वो सुविधा तो होनी चाहिए। ये इससे इतना काम भी लिया जाता है, ये मनुष्य का एक अहम हिस्सा भी है। जब ये मनुष्य का एक अहम हिस्सा है तो इस अहम हिस्से की पूरी हिस्सेदारी मनुष्य के जीवन में अंतिम समय तक होनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य की रोजी रोजगार चलाने का भी एक साधन है। अभी हमने एक दर्द देखा, दिखाया, कोशिश की, लेकिन अब मैं इतनी दूर से हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? कुछ कर भी नहीं सकता यहाँ पर कोई, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं एक बार बात करेंगे।